हेलो दोस्तों, सिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि निफ्टी बैंक में कल के लिए अपना स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। उससे पहले आज मार्केट में हमने कैसे काम किया, ये पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे और कल का पूरा एग्जैक्टली मार्केट में कहाँ पे ट्रेड लेना है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल एनालिसिस देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना है। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। आज देखो, शुरू में ही ओपनिंग में मार्केट जोर से नीचे आया था, लेकिन जो हमारा पुलबैक पॉइंट था उसके बिल्कुल नजदीक आके मार्केट थोड़ा सा जरूर नीचे फिसला, लेकिन वापस संभल गया, अटक गया। तो यही से मार्केट में बाइंग आने वाला था। ये रेंज लाइव मार्केट पे पहले से अपडेट किया था, ये प्रोसेस था। यहां से कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर गया, जो कि ये बिल्कुल बाइंग जोन था, उसको क्रॉस करने की मार्केट कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट में लास्ट के आधे घंटे में वापिस थोड़ा सेलिंग आ चुका है। तो ये प्रोसेस क्या बता रहा है, इसको हमने आज कैसे ट्रेड किया। पहले तो मार्केट यहाँ पे था, सुबह जब ओपन हुआ था 1-1.5 घंटा मार्केट जब नीचे था, तो हमने क्लियरली व्यू था कि 47,590 और 519 इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो ये हमारे लिए मार्केट में डाउन ट्रेंड है। ये तो मार्केट के लिए पुल बैक पॉइंट था, ये जो मार्केट में रैली आया था उसका जस्ट पुल बैक हुआ है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी था। तो स्विंग ट्रेडर ने तो यहाँ पे मार्केट में मान लिया होगा, इंट्राडे ट्रेडर ने भी बाय किया है, ऑप्शन भी आप बाय कर सकते हो। आज के लिए हमने क्या किया, 47,800 का जो कॉल था इसको हमने बाय किया था और ये मार्केट ऊपर जा रहा था। जब आप देखेंगे 47,800 का जो कॉल था लाइव मार्केट पे, जब हमें ट्रेड कर रहे थे, बाइंग रेंज आपके सामने 120 का टॉप लॉस लेना था, 325 और 380 का टारगेट था। मार्केट जब आपको 47,800 का कॉल की बात करोगे, लगभग मार्केट देखो 120 का नीचे टॉप लॉस था, मार्केट में ये कैंडल पे अपना ट्रेड हो रहा था 192 और 225 के बीच में, तो यहाँ पे अपना आराम से बाइंग हुआ ये कैंडल में। और इसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर गया, टारगेट 1 तो कंप्लीट कर ही दिया, टारगेट 2 तक मार्केट गया, 364-65 का हाई किया, 380 नहीं जा पाया, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आ गया और रुका हुआ है। अभी सवाल ये है कि यहाँ पे जो मार्केट में यहाँ पे बेस बना के मार्केट ने परफेक्टली ट्रेड बनाया, तो कल के लिए प्लानिंग क्या है। आज तो ये हो चुका है, अभी हमें देखना है कि मार्केट में मैं जब आज 19 तारीख को यहाँ पे बैठा हूँ, 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो चुका है, तो कल मार्केट में बैंक निफ्टी में क्या होगा। तो पहले तो आज जो रेंज बना था वो रेंज के अंदर ही मार्केट अटका हुआ है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सेलिंग पॉइंट बिल्कुल वही रहेगा 47,590 से लेके 519, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। वापस आज लास्ट के आधे घंटे में मार्केट नीचे आया था, मतलब 47,725 से लेके 47,900 ये जो बाइंग जोन है उसके अंदर मार्केट वापस आज अटका हुआ है। दो दिन से वही हो रहा है, कल भी यही हुआ था, आज भी हुआ है और अगले दिन। तो कल अगर मार्केट में वापस यहाँ पे ओपन होता, एक बार वापस बाइंग आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ पे रजिस्टर आ रहा है, 48,098, ये मार्केट में तगड़ा रजिस्टर यहाँ पे है। अगर ये नीचे का बाइंग आके दो बार यहाँ पे मार्केट ने, दो या तीन बार मार्केट ने यहाँ पे आया और सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वहां से नीचे आ रहा है, लेकिन आप सोचो कि अगर थर्ड टाइम मार्केट वहां पे जाएगा और 48,098 पकड़ो या तो 48,100 पकड़ लो समझने के लिए, इस प्राइस को अगर मार्केट निकाल देता है सीधा 48,350 और 550 के लिए आपको मार्केट में बैठना है। तो सिंपल सा स्ट्रेटेजी कल के लिए, अगर 700 के नियर अबाउट बैंक निफ्टी मिलता है, 47,800 के कॉल को वापस बाय करना है, जब तक सेलिंग प्राइस, ये जो सेल जोन है इसके नीचे मार्केट नहीं निकलता तब तक अप ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे। और मार्केट 350 पे अगर मिल जाता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि अच्छा खासा रैली हो जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा गैप अप करके ही अगर मोमेंटम ब्रेक करता है तो फिर 550 का टारगेट भी कल मिल जाता है। तो ये आपके लिए कल के लिए स्ट्रेटेजी है। तो 47,800 के कॉल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो, और मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो 48,100 का कॉल में आप काम करेंगे। फ्लैट ओपनिंग हुआ है, 47,800 मोर देन सफिशिएंट है, वो एट द मनी पे आज जो हमने रेंज दिया वही रेंज में आपको ट्रेड मिल जाएगा। एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।